नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद शुक्ल है, सप्तमी मंगलवार का दिन है, विक्रम संवत 2077। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का पांचवा दिन है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 25 अगस्त का है और जो वर्ष का 237वां दिन है और साल में अभी 128 दिन बाकी हैं। आइए जानते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में। 1351 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय की आज ही के दिन ताजपोशी हुई थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। उसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें सौंदर्य ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। 1917 में आज ही के दिन ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवाएं दे रहे 7 भारतीयों को पहली बार किंग कमीशन मिला, जो कि उस समय के सेना के भारतीयकरण का पहला ठोस कदम था। वायसराय कमीशन भारतीय अधिकारी होते थे जिनके पास अधिकारी रैंक होता था। उन्हें लगभग सभी मामलों में कमीशन अधिकारियों का दर्जा दिया जाता था, लेकिन उनका अधिकार केवल भारतीय सैन्य दलों पर ही था और वे सभी ब्रिटिश राजाओं और रानियों के कमीशन अधिकारियों और किंग कमीशन अधिकारियों के अधीन हो रहे थे। इतिहास में 25 अगस्त की तारीख पर खेल जगत से जुड़ी 3 बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। पहली घटना की बात करते हैं तो 1957 में 25 अगस्त को भारत की पोलो टीम ने फ्रांस में खेली गई विश्व पोलो चैंपियनशिप में खिताबी विजय हासिल करी थी। दूसरी घटना में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले की कतार में शामिल शेन वॉर्न ने 25 अगस्त के दिन ही 400 विकेट का आंकड़ा पार किया था। तीसरी घटना साल के जकार्ता पिछले साल की जो है जकार्ता एशियाई खेलों से जुड़ी है, जब भारत के शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने रिकॉर्ड प्रदर्शन कर सोने का तमगा हासिल किया। रुक करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। खरीफ फसल का उत्पादन इस साल 5 से 6% ज्यादा हो सकता है। सोमवार को जारी कृषि रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फसलों का रकबा बढ़ाने और देश भर में मानसून का प्रसार बेहतर रखने में उत्पादकता में होने वाली बढ़ोतरी के कारण इस साल खरीफ फसलों का उत्पादन ज्यादा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 अगस्त तक मानसूनी बारिश लंबी अवधि के औसत से 7% ज्यादा हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश के बेहतर प्रसार के कारण उत्पादकता में 2 से 3% की जो है उत्पादकता बढ़ जाएगी। विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में जोरदार लिवाली से घरेलू शेयर बाजार आज करीब 1% उछलकर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। बीएससी का 30 शेयरों वाला सर्वसंवेदी सूचकांक सेंसेक्स 364.36 अंक यानी 0.95% की मजबूती के साथ 38,799.08 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94.85 अंक यानी 0.83% चढ़कर 11,466.4 अंक पर पहुंच गया है। यह दोनों सूचकांकों का 27 फरवरी के बाद का उच्चतम स्तर है, जो कि बहुत ही सकारात्मक है। 11 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना प्रभावित बेरोजगारी दर में सुधार के लिए एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया था और महज 40 दिनों में करीब 69 लाख बेरोजगार लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करवा लिया। योजना के तहत 2% बेरोजगार यानी लगभग 7,500 लोगों से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल चुकी है। कोरोना काल के बीच सीआईएसएफ के 2,862 जवानों की पदोन्नति की गई है। पदोन्नति पाने वाले सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के जवान मौजूद हैं। इस संबंध में बल के सीजीओ का कॉम्प्लेक्स स्टेट मुख्यालय में सोमवार को सामूहिक पदोन्नति समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीआईएसएफ के महानिदेशक डीजी राजेश रंजन ने सीमित पदोन्नति पाए जवानों को स्टार लगाकर अलंकृत किया। पदोन्नति पाने से जवानों का हौसला बुलंद होगा और पूरी सजगता से वे ड्यूटी कर सकेंगे। सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान बल कर्मियों को पदोन्नत किए जाने की पहल की गई है और यह जवानों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक पहल है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत
सब्सिडी वाला खाद्यान्न मुहैया कराएं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों से कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नहीं आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को नया राशन कार्ड जारी करे। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत शामिल किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार देश के 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न देती है। उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश 112 यानी पुलिस की आपातकालीन सेवा में कार्यरत कर्मियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मन संवाद कार्यक्रम के जरिए मनोवैज्ञानिकों की मदद ले रहा है। परिवार से दूर रहने, काम के अधिक घंटे और अब COVID-19 की महामारी के खतरे से कर्मियों में जो मानसिक परेशानी थी उसके मद्देनजर यह कार्यक्रम शुरू किया गया। COVID-19 के दौरान लगातार काम करने से कई पुलिसकर्मी मानसिक तनाव में रहने लगे थे जिसका असर उनके काम पर पड़ रहा था। अधिकारियों के अनुसार पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग से संपर्क किया गया और पुलिसकर्मियों के लिए मन संवाद कार्यक्रम बनाया गया। इसमें पुलिसकर्मी मनोवैज्ञानिकों से फोन पर बात करके अपनी समस्याएं बता रहे हैं और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। सोशल मीडिया पे मानव हरित क्रांति की बाढ़ आ गई है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 मिनट का एक वीडियो डाला है जो सिर्फ पक्षियों बल्कि प्रकृति के साथ भी उनकी निकटता का एहसास कराती है। यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी का प्रकृति के लगाव और उनका देश दुनिया के सामने आया, बल्कि पूर्व में भी ऐसा कई बार हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास की हरियाली जहां आंखों को ठंडक प्रदान करती है, वहीं पीएम मोदी ने पक्षियों के लिए खास संरचना का भी निर्माण कराया है। बिल्कुल वैसी संरचना है जैसे गाँव में उपलब्ध रहती है और जहां पक्षी अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। ये वाकई में देश के प्रधानमंत्री द्वारा विशेष सकारात्मक पहल है जिससे देश की जनता समय समय पर जुड़ती रहती है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाना हो या समंदर के किनारे से प्लास्टिक कचरे का निष्पादन हो या इस प्रकार की तमाम प्रकृति से जुड़े रहने के जो संदेश हैं। मोदी की ये पहल देश में हमेशा नव संचार करती है। इरादे मजबूत हों तो आपको मंजिल हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। गरीबी और अभाव वाली जिंदगी में भी कुछ लोग बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते हैं। ऐसे योद्धाओं की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। कुछ ऐसा ही जज्बा है पायल कुमारी का। केरल में रह रहे बिहार से आए मजदूर पिता की बेटी पायल ने केरल स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में आप टॉप किया है। वो तब जब एक वक्त में उनके पास कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं, अब उनकी निगाह सिविल सेवाओं में किस्मत आजमाने पर है। दरअसल पायल कुमारी ने यूनिवर्सिटी के बीए आर्कियोलॉजिकल कोर्स किया है में टॉप किया है और पायल के पिता करीब 2 दशक पहले बिहार से केरल आके बस गए थे। मजदूर परिवार के लिए कॉलेज के 3,000 रुपये की वार्षिक फीस भरने की चुनौती थी, लेकिन टीचर समेत अन्य लोगों की मदद से ये बाधा भी दूर हो गई और कोच्चि के करीब पेरुवाम्बर स्थित मारमोथा महिला कॉलेज की छात्रा पायल ने इस साल 85% अंक हासिल किए हैं। किसी ने सच कहा है कि दुनिया में केवल एक ही इंसान आपकी किस्मत बदल सकता है और वो खुद आप हैं। इसीलिए नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों से जुड़े रहें, अपने दिन और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।